हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 तो चैप्टर 3 में हमारा जो व्याकरण है वो पेंडिंग था। तो स्टूडेंट, पाठ्यपुस्तक ओपन और पेंसिल हाथ में, तो हम काल के 3 भेद हैं वो समझेंगे। हमारे भेद कितने हैं? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। तो ये तीनों काल आप लोगों ने समझ लिए हैं। तो अभी हम उनके सिर्फ जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो समझेंगे, ठीक है? तो आइए बच्चों, मैं जो बोलते जाते हूँ उनके नीचे अंडरलाइन भी करते जाइए। तो चलो, तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो नंबर 1 है, अब्दुल कल आएगा। 2, लड़के शाम को खेलेंगे। बिल्कुल वाक्य पे ध्यान बच्चों, अगर आप वाक्य समझोगे तो ही पता चलेगा कि कौन सा काल का बोध करवा रहे हैं। 3, मीना गुड़िया खरीदेगी। 4, डाकिया डाक लाएगा। उपयुक्त रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी एंड लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया होने वाली है, हो नहीं गई है, होने वाली है कि अब्दुल कल आएगा, वो आने की क्रिया करेगा। लड़का शाम को खेलेगा, खेलेगा क्रिया हुई नहीं है कि खेल रहा है, ठीक है। मीना गुड़िया खरीदेगी, क्रिया करेगी, जब खरीदेगी तब। तो यहाँ पे जो क्रिया होने वाली है वो भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल, उन्हें भविष्य काल कहते हैं। डेफिनेंसी में ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे तो ही पता चलेगा, क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो जो वाक्य दिए गए हैं उनमें हमें भविष्य काल चुनकर उसको रेखांकित किया करना है। बच्चों, एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा कि भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, वह शब्द को ढूंढ कर रेखांकित कीजिए जो भविष्य काल है, भूतकाल है। तो नंबर 1 है, माली बाग में फूल चुनेगा, तो ये भविष्य काल है, चुनेगा। 2 नंबर है, हम हिंदी सीखते हैं, ये नहीं आएगा। 3, पिंकल कल कहानी किताब लाएगी, तो ये क्या हुआ? भविष्य काल, लाएगी, चुनेगा, बुनेगा, उड़ाएगा, ये सारा क्या है? भविष्य काल। जैसे कोमल 6 कक्षा की छात्रा थी, होने वाली नहीं है, क्रिया करने वाली नहीं है, छात्रा है नहीं है, छात्रा थी। मैं बस में जा रहा था, बस में जाऊंगा ऐसे नहीं है, जा रहा था। वाक्य पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। अभी ये प्रश्न 2 वाली, उसमें एक्सरसाइज में ऐसे दिया गया है कि तीनों काल आपको सेंटेंस पढ़कर समझकर लिखना है, अगर आपने समझा तो ही पता चलेगा। नंबर 1 है कि रोशनी ने कहानी सुनाई, सुना नहीं रही है, सुनाई थी, क्रिया कर ली है, सुनाई, भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, पता चला ना आपको, जाएंगे, जो क्रिया होने वाली है जाएंगे, तो क्या हुआ? भविष्य काल। डेफिनेंसी देखोगे तो ही पता चलेगा। भूतकाल में क्या होगा? जिस रूप में क्रिया हो गई है उसका बोध करा रहे हैं। रोशनी ने कहानी सुनाई, वो हो गया है, उनकी क्रिया हो गई है। नंबर 3 है, पिताजी के जूते खो गए, तो यहाँ पे भूतकाल, खो गए हैं, क्रिया हो गई है। 4 नंबर, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, अभी क्रिया होती है तो ये वर्तमान काल। 5, अनीता 7 कक्षा में पढ़ती है, यानी ये क्रिया होती है, हो रही है, तो ये वर्तमान काल। मैं किताब खरीदूंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, ये सारे सेंटेंस में आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये बोल रहे हैं भविष्य काल। 7 में है, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्य काल। 8, हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल, क्रिया हो गई है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल, क्रिया हो गई है, पैरों में दर्द हो रहा था। तो बच्चों, डेफिनेंसी समझोगे ना तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको ऐसे अंदाजा आ जाएगा कि इसमें क्या काल लगे
गा। तो बच्चों ये नोट में लिखना है, टेक्स्ट बुक में तो अवश्य लिखना ही है, कंपलसरी। थैंक यू स्टूडेंट।